सो रखा है अंदर, ये चेक करो, दिख रहा होगा ना, ये देखो बहुत भयानक खाओ रखा है बेचारे का। मेरा कुछ पार्सल आया है, सामान आ रहा है, सो उसे पिक करने जा रहा हूँ मैं अभी बैंड में, डाक सेवा में आ रहा है फरमान भी। सो सारे आगे थे नमाज पढ़ के, और ये आरिस भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आज है 20 तारीख, और आज 20 है ना, हाँ आज 20 तारीख है। तो फजर का टाइम है, नमाज़ के लिए आया हूँ, कल छुप गई थी तो बहुत ज़्यादा अफसोस था, कज़ा करनी पड़ी, तो आज आया हूँ मैं नमाज़ पढ़ने। देख सकते हैं आप, अंधेरा हो रहा है काफ़ी, काला मौसम और बादल आसमान पे। तो भाई नमाज़ पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं, ठीक है ना। गाइज मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ मार्केट, और अब मैं जा रहा हूँ घूमने फ़िलहाल, तो चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है, बादल लगने और ये साफ़ हो जाएंगे बादल, अभी मौसम साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। और कर्मचारी हमारे झाड़ू लगा रहे हैं भाई, सुबह जाते हैं बेचारे लगाने के लिए झाड़ू मार्केट में, इनकी अलग चल रही है गाइज। वेरी गुड, सामने का व्यू चेक करो कितना मस्त आ रहा है, कोहरा हो रहा है ऊपर सारा, और आसमान में बादल। सो गाइस शॉप पर आ गया मैं, और ओपन कर लिया, शॉप पर बैठा हूँ अभी, कंटिन्यू ड्यूटी दे रहा हूँ, तो बैठे नाश्ता करने आ गया हूँ अभी शॉप से। सो आज रोटी वोटी खाने का कुछ मन नहीं है, सो ये हल्का सा खा लेंगे, यह है सिमई और यह है ऑमलेट, सो इसे खा लेता हूँ बस। मैं नहा धो के आ गया था मार्केट, सो मेरा कुछ काम था, मैं ये सामान देने जाना है कुछ, तो वो देने जा रहा हूँ फिलहाल, और मैं मार्केट आ गया था नहा धो के। करो यान के हाथ पे यार लगी थी जो, ये देखो घाव कैसे हो रखा है अंदर, ये चेक करो, दिख रहा होगा ना, ये देखो बहुत भयानक घाव हो रखा है बेचारे का। सो अंदर भी यहाँ कुछ लगा था ऐसे, हाथ ऐसे गया होगा ना, तो उस वजह से। सो दिखाना, देख ये तो पूरा प्लास्टर लगा है, यहाँ पे क्रैकिंग है ना, क्रैकिंग इस जगह पे है, और यहाँ पे पूरा प्लास्टर लगा है, और यहाँ पे लगा था चोट, तो ये ड्रेसिंग हो रही है इसकी रोज़, अभी करवाने जाएगा ये, अभी तक कराई नहीं है इसने। सो इस जगह पे ड्रेसिंग हो रही है रोज़, तो यार दर्द तो होता ही है, और दूसरा हाथ भी छिला था, ये कहाँ पर छिला था दिखाना, ये देखो ये वाला छिला था जो, ये ऐसा हो चुका है अभी। सो भाई बाइक धीरे से चलाएं, तो गाइस लगी है इसकी काफ़ी ज़्यादा, तो रेस्ट ही चल रहा है आजकल इसका बेचारे का, तो बस बैठा हूँ अभी शॉप पर, अभी आया था तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि रोज़ इसकी ड्रेसिंग होती है, तो मैंने कहा आज इसने करी नहीं, तो मैंने भी देखी, मैंने कहा ये क्या है, तो कह रहा है यहाँ लगी थी चोट, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे बाइक लगी है। बस खाना खाना है वो भी, और ये बने हैं आज कढ़ी और चावल, सो इसे खाता हूँ मैं, ठीक है, आज कढ़ी चावल बने हैं। सो पीपल खाना वाना हो गया है, सो खाना खा के जा रहा हूँ मैं फिलहाल शॉप पर। शाम की चाय आ चुकी है मेरी, और सारे भाई पी रहे हैं चाय, देखो सामने। तो गाइस असर का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ना है मैं भी, और यह है अपनी मस्जिद। तो गाइस असर की नमाज पढ़ के मैं आ चुका हूँ अभी शॉप पर, तो आज मैं शॉप पर ही हूँ पूरे दिन, क्योंकि मेरे को कहीं जाने का टाइम नहीं मिल पाया, और आज शॉप पर ही ड्यूटी है, और स्पेशल कुछ दिखाने को भी नहीं मिला कि इधर उधर कहीं जाऊँ या रूटीन दिखाऊँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे यार देख देख के, लेकिन आप क्या करें, जो डेली शेड्यूल है आप उसके अलावा अदर तो दिखा नहीं सकते। यूट्यूबर है नहीं कि इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे घूमने कंटेंट के लिए, बट जाना तो कभी पड़ेगा ही, तो मैं ट्राई करूँगा, होप कि कोई नई जगह आपको लेके चलूँ, नए अच्छे अच्छे से कॉन्टेंट डालूँ। तो कॉन्टेंट मेन होता है ढूंढना इस टाइम पर, क्योंकि अगर ब्लॉगिंग करनी है तो फिलहाल तो मैं शॉप पर ही हूँ भी बैठा हुआ, और कोई इधर उधर से आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये फ़ोन के साथ बातें कर रहा है, पागल समझ रहे होंगे, बट हमारा काम ही यही है। सो गाइस ये है लोकल की सब्जी जो आप देख रहे हैं। मेरा कुछ पार्सल आया है, सामान आ रहा है, सो उसे पिक करने जा रहा हूँ मैं अभी बैंड में, डाक सेवा में आ रहा है, तो इसलिए मैं स्कूटी में जा रहा हूँ, चेक करो
ये रूट है अपना। बैंड आया था कुछ सामान पिक करने, जैसे हम आपको बताया है, और अभी मैं रुका हूँ वैसे ही, और मेरे साथ अमान भी है पीछे देख करो। और ये है कुछ ऐसा रूट, यहाँ से आएगी गाड़ी, ये कणप्याग वाला रूट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सो वही सामान लेने में आया हूँ, मेरा फ़ोन अपलोडिंग के लिए लगा है तो मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। सो व्लॉग अभी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, 6 बजे का टाइम बताया है, तो इंशाल्लाह होप कोशिश है कि 6 बजे हो जाए। बाकी अभी मैं आया हूँ बस सामान लेने, पिक करता हूँ पार्सल, उसके बाद मैं जाऊँगा शॉप पर। सो गाइज अप्रॉक्स 6 बजे मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऊपर हो गया, 1-2 मिनट, 4-5 मिनट मतलब, लेकिन फाइनली हो चुका था। सो मैंने अपलोड वगैरह सब कर दिया है। सो आप जाइए, और डेली व्लॉग करता हूँ गाइज मैं आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ 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 जाइए, देखा करिए और शेयर करिए अपने, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप कैब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार गाइज, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों से, प्यार इतना है कि आप लोगों के लिए डेली मेहनत करता हूँ। सो गाइज प्लीज़ मोटिवेट करिए मुझे मेरे चैनल को। गाइज मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गए थे सभी भाई लोग, और जस्ट अभी पहुँच रहा हूँ मैं शॉप पर। सो देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा है अमान और अयान फरमान भी। सो सारे आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और ये आरिस भी है। मैंने शॉप बंद, तो गाइज मैं शॉप बंद कर ली थी मैंने, और उसके बाद मैं आ गया था नमाज़, और नमाज़ आने के बाद मैं अभी जस्ट फर्ज नमाज़ पढ़ के मैं आ रहा हूँ छत पे, मतलब सुन्नत वगैरह वितर वगैरह सब पढ़ लिया। सो फिलहाल मैं छत पर आया हूँ जब मैं खड़ा होता हूँ, और अंदर चलिए तालीम, तो मैं तालीम में जाता हूँ अब। तो गाइज ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे ऐसे करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।